इन वॉटर, उसमें एसोसिएशन और इमेजिनेशन एंड प्ले आप इस तरह सॉन्ग्स के थ्रू सिखाएं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसमें इमिटेशन अगर आप वैसे सिखाते हैं ना, जैसे एक आम बच्चा जो आप कर रहे हैं वो कोशिश करता है कि आपको कॉपी करें, तो ऑटिज्म में ये चीज़ हमें नज़र आती है कि इमिटेशन नहीं है, वो मिरर न्यूरॉन नहीं है कि वो खुद ब खुद करेगा, लेकिन थ्रू सॉन्ग्स एंड म्यूजिक एंड थ्रू हैंड ओवर हैंड आप उनको सिखाते हैं। तो सॉन्ग्स के अलावा आप छोटे छोटे फिगर्स लेके एक घर का मॉडल ले, डॉल हाउस हो, उसमें आप छोटे छोटे फिगर्स करके कि ये अम्मी सिंपल ब्लॉक्स में डायग्राम ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर बना दें। खोल ली थी एक पिक्चर, आई थॉट कि अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मैं अपनी देर आपको कुछ बोर्ड्स दिखा देती हूँ। ये सिंपल जो बोर्ड मेकर की मैं बात कर रही थी उस पर कैरेसलम बेस्ड करते हैं, जैसे मैं एक वो बच्चे के साथ काम कर रही थी, उसमें सिखा रही थी कि डिफरेंट तरह के हाउसेस होते हैं, तो उसकी पिक्चर्स थी और उसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर था। तो इसमें तो ये था कि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आफ्टर अ वाइल वंस यू डन द रीडिंग देन यू ये वाले जो यहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, देन यू कवर दिस अप एंड देन यू आस्क द चाइल्ड टू से दिस हाउस इज मेड अप ऑफ एंड हेल्प हिम लेबल और हेल्प हिम प्रिंट ओवर हियर। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज हाउ यू प्रोसीड विजुअल्स को आप एक दफ़ा बच्चे को आप एसोसिएशन समझा दें तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाके उसको और चीज़ें सिखा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट। अच्छा, इसके अलावा जो इमिटेशन स्किल्स में आप ब्लॉक्स के साथ और ड्रामेटिक प्ले और पेंटिंग, मैं इसको हम जिस पॉइंट टू जल्दी जल्दी इसको करती हूँ। ड्रामेटिक प्ले में वो यही है कि आप एक छोटी डॉल या जैसे बेबी को फीड करते हैं, ड्रेस करते हैं, तो जो 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 एक्शन आप चाहते हैं कि बच्चा करे वो एक डॉल के साथ करके बताइए और उसको लेबल करते रहिए। देन इन द बेसिक प्रोग्राम एंड यू स्टार्ट वर्किंग विद अ चाइल्ड, यू वर्क ऑन रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लर्निंग, और उसमें आप पहले घर की चीज़ों से बिल्कुल शुरू करते हैं। आप किचन में से कप स्पून प्लेट जो वो बच्चा रोज़ इस्तेमाल करे और उसको कहें कि ये कहाँ पे ये चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ग्रोसरी की चीज़ें जैसे कोई फ्रूट पड़ा हुआ है उसको साथ साथ उसको ना सिर्फ नाम सिखाएं उसको एसोसिएशन सिखाएं उसको। तो जैसे एक ग्रोसरी स्टोर की पिक्चर है तो उसके नीचे आप फ्रूट्स और मीट्स की पिक्चर्स बना सकते हैं। डॉल के साथ अगर बच्चा खेलना पसंद कर रहा है तो डॉल के साथ जब वो खेल रहा है फिगर प्ले कर रहा है, देन यू कैन हेल्प हिम लर्न द बॉडी पार्ट्स। अगर वो एनिमल्स के साथ उसके फेवरेट हैं एनिमल्स के साथ, उस पर भी आप बॉडी पार्ट्स भी कर सकते हैं, आप उसको साउंड और आर्टिकुलेशन की तरफ ला सकते हैं। उसके अलावा जो भी बच्चे को पसंद है, अगेन अगर उसको एनिमल्स पसंद हैं या ट्रेन्स पसंद हैं, आप उसकी आउटलाइन ब्लैक एंड वाइट उसकी पिक्चर्स यूज़ करें कलरिंग के लिए, ड्राइंग के लिए।
वही वर्ड्स यूज करें उसको जो वो बोल रहा है कि उसको ट्रेस करें और कॉपी करें. तो हर चीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. दिस शुड बी इंटरलिंक्ड. वही तस्वीरें कलर कर रहा है, उसी के मुताबिक बात कर रहा है, उसी के मुताबिक कोई सॉन्ग है या प्ले सीन है. मैचिंग किड लव टू मैच, और मैचिंग के थ्रू आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं. उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे वो आपको जैसे मैथ का वो जो पेज दिखाया था दैट स्टार्टेड विद मैचिंग. अगेन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इज अगेन अनदर वन ऑफ द स्किल्स आर विजुअली ओरिएंटेड. तो अगर ये आपको नज़र आ रही हो शीट, इसमें ये बताया हुआ है कि इट्स अ लिटिल बिग एंड वेरी बिग. इसी तरह के खाने बने हुए हैं. आप इस तरह के बॉक्सेस भी कर सकते हैं जिनको इस तरह लेबल कर दें. फिर बच्चे को यू गिव हिम सॉर्टेड मटेरियल दे दें और उसको हेल्प करें कि सॉर्ट करें सबसे छोटा कहाँ जाएगा, उससे बड़ा उससे बड़ा. सॉर्टिंग में अब एक ये किया हुआ है, मे बी इट्स हार्ड टू सी फ्रॉम देयर. इट सेज हार्ड और सॉफ्ट. आप एक दो बॉक्सेस लें, एक बॉक्स में आप एक रॉक रख दें और एक बॉक्स में आप एक कॉटन स्वाब रख दें. लेट द चाइल्ड फील बोथ और उसको कहें कि ये हार्ड है ये सॉफ्ट है. देन यू गिव हिम फोर फाइव अदर थिंग्स. आस्क हिम टू फील एंड पुट इट इन द हैंड ओवर हैंड कि किस बॉक्स में जाएगा. तो ये जो इस तरह के टास्क से ये भी होता है कि जो बच्चे की टैक्टाइल डिफेंसिवनेस है वो भी कम हो जाती है और उसको एक कॉग्निटिव स्किल मिलती है, लैंग्वेज मिलती है. और सॉर्टिंग के थ्रू लैंग्वेज का एक और तरीका है सीखने का. इस तरह मैंने एक ये बच्चे को सिखाया था कि यू नो आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ही इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज क्राइंग बिकॉज इज बट इज ही फीलिंग एंग्री और सैड. उसको डिफ्रेंशिएट करना कि नेगेटिव फीलिंग कौन सी है. फिर आप बहुत कुछ पिक्चर्स काट लें, मैगजीन्स में से काट लें या ड्राइंग्स बना लें जिसमें एक एंगर दिख रहा है और कहीं सैडनेस दिख रही है. एंड हेल्प द चाइल्ड सॉर्ट इट आउट. जब ये सॉर्ट करेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी भी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना शुरू करेगा. दिस इज ह्यूज कि जब बच्चे को ये पता चलता है कि ये फीलिंग्स हैं एंड वट कैन बी डू टू मेक इट बेटर. अगर एंग्री है तो क्यों ऐसा फील कर रहा है, सैड है तो क्यों कर रहा है. एंड देन ऑल्सो टू रियलाइज कि और लोग भी हैं जिनमें ये फीलिंग्स होती हैं. आई एम नॉट द ओनली वन हू फील्स लाइक दैट. एंड इट इज़ अ टेम्प्ररी फीलिंग. जब ये फीलिंग्स करते हैं तो वी ऑलवेज ब्रिंग आउट द हैप्पी फीलिंग टू. जैसे नोज के जब ये फीलिंग्स आती हैं तो उसके बाद हम कोई ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं दैट कैन हेल्प अस मेक फील बेटर. नाउ दिस इज जस्ट टीचिंग द चाइल्ड. पहले तो आप बॉय गर्ल के साथ भी कर सकते हैं लेकिन इफ यू टीचिंग द चाइल्ड ही और शी, आप उसको प्रपोजिशंस की तरफ जा रहे हैं, पोजेसिव्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बाद आप कटआउट्स हों पिक्चर्स के लड़कों के लड़कियों के. एंड देन यू से हु डू वी कॉल ही, बॉयज को हम ही कहेंगे, लड़कियों को हम शी कहेंगे. देन यू सॉर्ट इट आउट. तो ये सॉर्टिंग एंड मैचिंग इज Sorting and matching is a big way to go and help these kids. I'll just go on to the last sheet and saying that every child with autism needs his own individualized plan and team. उस पर depend एक assessment tool होता है जिससे हम find out करते हैं कि उसका skills किस level पर है और वहाँ से शुरू करते हैं. और अगर डिलेड इंटरवेंशन जो है उसके भी बेनिफिट्स हैं. एंड वन शुडंट थिंक कि अगर एक टाइम पे इंटरवेंशन शुरू नहीं हुई तो अब उसका क्या फ़ायदा.